दोस्तों उत्तर प्रदेश के चर्चित जिलों में प्रतापगढ़ जितना फेमस है उतना ही फेमस है यहाँ के लोगों की प्रतिभा, जिसने उन्हें सफलता के उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ आज के समय में हर व्यक्ति जाना चाहता है। इस वीडियो में हम प्रतापगढ़ जिले के एक ऐसे ही परिवार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ देश के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक UPSC एग्जाम्स को पास किया बल्कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील के इटौरी मकनपुर गांव के निवासी अनिल मिश्रा जी के चार बेटे बेटियों की सफलता की। चारों बच्चों में बड़े बेटे योगेश, छोटे बेटे लोकेश और बेटी माधवी मिश्र IAS हैं, तो वहीं बड़ी बेटी क्षमा मिश्र IPS अधिकारी हैं। इन चारों की प्रारंभिक शिक्षा लालगंज के पुनीत जूनियर हाई स्कूल व इसके बाद इंटर तक की शिक्षा राम अजोर मिश्र इंटर कॉलेज में हुई। इसके बाद योगेश ने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया तथा क्षमा ने हेमवती नंदन बहुगुड़ा PG कॉलेज लालगंज से हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। तीसरे नंबर की माधवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PG किया और छोटे बेटे लोकेश ने दिल्ली से IIT की पढ़ाई पूरी की। सबसे पहले 2013 में योगेश IAS बने, उसके बाद साल 2014 में माधवी और 2015 में लोकेश भी IAS बने और इसके बाद साल 2016 में क्षमा का भी IPS अधिकारी के तौर पर चयन हुआ। वर्तमान में क्षमा बेंगलोर में एवं योगेश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात हैं। माधवी इन दिनों झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में एवं लोकेश भी झारखंड राज्य के कोडरमा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देश की सर्वोच्च परीक्षा IAS में सबसे ज्यादा सगे भाई बहनों के रूप में स्थान बनाने वालों में इस परिवार का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और नेपाल रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज हुआ है। यही कारण है कि आज इनकी कहानी न सिर्फ प्रतापगढ़ में बल्कि पूरे देश प्रदेश भर में हर माँ बाप अपने बच्चों को सुनाता है और प्रेरणा लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IAS योगेश मिश्रा जी ने ग्लोरी IAS कोचिंग की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए सही मार्गदर्शन करना है। अब तक इस कोचिंग से 150 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा IAS में तो लगभग 50 अभ्यर्थी स्टेट PCS में सेलेक्ट हो चुके हैं। योगेश जी का अगला टारगेट है कि उनके मार्गदर्शन में सिर्फ एक साल में ही ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को UPSC में चयनित कराकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। आपको बता दें कि ग्लोरी IAS कोचिंग फिलहाल लखनऊ के वृंदावन और अलीगंज में स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।